चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिएगा। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, शो दैट टैन 3x टैन 2x टैन एक्स इज इक्वल्स टू टैन 3x माइनस टैन 2x माइनस टैन एक्स, ये शो करना है। नाउ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस व्हिच यू विल गेट इन योर एग्जामिनेशन। सो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है और इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, कॉट एक्स के टर्म्स में दिया है, सेम यही है, कॉट 3x कॉट 2x कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉट 3x माइनस कॉट 2x माइनस कॉट एक्स, इस तरीके का एक और क्वेश्चन है, वो एक्सरसाइज में दिया हुआ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए आप इसको लिख सकते हैं tan 3x को, क्या आप लिख सकते हैं इस तरीके से tan 2x प्लस x, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? ठीक, ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि 3x 2x और x आ रहा है। ठीक, तो 3x 2x और x लाने के लिए हमने tan 3x का फॉर्मूला को 3x को ब्रेक किया as 2x plus x। Now, लेफ्ट साइड पे tan 3x को as it is रहने दिया और राइट साइड पे 2x plus x को ब्रेक करके लिखा tan a plus b या tan x plus y का फॉर्मूला। tan x plus y का फॉर्मूला क्या होता है, tan x plus tan y tan 2x plus tan x upon 1 minus tan 2x into tan x। ठीक, तो यहां पे हमने 2x plus x को x plus y के फॉर्मूले से लिखा। ठीक, आगे देखिए, हम इसको अगर यहां मल्टीप्लीकेशन में भेज दें तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस विल बिकम tan 3x minus tan 3x tan 2x tan x is equals to tan 2x plus tan x। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दैट्स इट। ये 1 से पहले यहां मल्टीप्लाई हुआ, फिर यहां पे दूसरे में मल्टीप्लाई हुआ, ये मोनोमियल है, इसमें सॉरी बाइनोमियल है, दो है और tan 3x दोनों में मल्टीप्लाई होगा। ठीक, इसके बाद क्या कर सकते हैं भाई, देखो 3x 2x और tan x सब एक साथ है, तो इन 2x और tan x को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा tan 3x minus tan 2x minus tan x is equals to इस पूरी क्वांटिटी को RHS में ले जाओ, so this will become tan 3x into tan 2x into tan x, hence proved। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे और आपको ये नहीं पता कि इसको कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे क्या कोशिश करोगे, आप इसी को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, आप इसको शायद साइन या कॉस में कन्वर्ट करोगे और LHS RHS सॉल्व करने की कोशिश करोगे, हाथ पैर मारोगे सॉल्व नहीं होगा, तो यहाँ पे ये ट्रिक लगनी ही लगनी है, तो इसलिए ये ट्रिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट, अगर ये ट्रिक आती होगी तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं आती होगी तो अटक जाओगे। cot x cot 2x cot 2x cot 3x cot 3x cot x is equals to 1, ये शो करना है, सेम टू सेम वैसे ही करना है जैसा पिछला क्वेश्चन किया था, यू हैव टू ब्रेक cot 3x into cot 2x plus x। अब ये वही बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा जिसको cot का फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला नहीं याद होगा तो नहीं कर सकते। क्या फॉर्मूला होता है cot x plus y का, cot x cot y minus 1 upon cot x plus cot y। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, वैसे ही हो जाएगा जैसे पिछला क्वेश्चन हुआ है। सो यहां पे cot 3x को वी कैन ब्रेक दिस एज cot 3x इज इक्वल्स टू cot 2x इंटू cot x माइनस 1 अपॉन cot 2x प्लस cot x, सही लगा फॉर्मूला? ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा cot 3x इंटू cot 2x प्लस cot 3x इंटू cot x इज इक्वल्स टू cot 2x cot x माइनस 1। ठीक, इसको इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा cot 3x cot 2x प्लस cot
3x cot x minus cot 2x cot x is equals to minus 1. अब हमको जो प्रूफ करना है उसमें 1 जो है वो पॉजिटिव है, तो क्या करना है, पूरी इक्वेशन को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो अगर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा. बन गया जो हमको चाहिए, यहाँ से आ जाएगा cot 2x इंटू cot x माइनस cot 3x इंटू cot 2x माइनस cot 3x इंटू cot x एंड दिस इज इक्वल्स टू 1. हेंस प्रूफ. क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है tan ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू m अपॉन m प्लस 1 एंड tan ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2m प्लस 1. शो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4. ये क्वेश्चन है. सो tan अल्फा की वैल्यू दी इन टर्म्स ऑफ n, m, tan बीटा की वैल्यू दी इन टर्म्स ऑफ m. पूछ रहा है शो कीजिए कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, पाई बाय 4 के बराबर है. पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री. इसको करने के लिए मैं आपको हिंट देता हूं, फिर आप इसको आराम से कर लोगे. यहां पे क्योंकि अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो आप यहां पे फॉर्मूला लगा लीजिए, टैन अल्फा प्लस बीटा. क्या फॉर्मूला होता है, टैन अल्फा प्लस टैन बीटा अपॉन 1 माइनस टैन अल्फा इंटू टैन बीटा. बस अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते चले जाइए, पूरे को सॉल्व करते चले जाइए, आपको आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा. सो यहाँ पे अगर वैल्यू प्लेस की जाए, टैन अल्फा की वैल्यू दिस इज एम अपॉन एम प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2m प्लस 1 टोटल अपॉन 1 माइनस m अपॉन m प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2m प्लस 1. सो दिस इज टैन अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस m प्लस m प्लस 1 टोटल अपॉन m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाय m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 माइनस m टोटल अपॉन m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1. यहां तक सबको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं. तो यहाँ पे एलसीएम लिया, ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ m बचेगा और ऊपर नीचे से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया. ठीक, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 माइनस m प्लस 2m प्लस m. हाँ ठीक है, प्लस 2m प्लस m प्लस 1 आएगा तो यहाँ पे प्लस 3m हो जाएगा, प्लस 3m प्लस 1 माइनस m. सो 3m से माइनस m कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ये आ जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 कैंसिल आउट होके 1 के बराबर आ गया. अब tan की वैल्यू 1 किस पे होती है, 45 पे. tan 45 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो क्या हम लोग 1 की जगह लिख सकते हैं tan पाई बाय 4. भाई पाई बाय 4 बोले तो 45 डिग्री. सो tan से tan अगर यहां पे कंपेयर करें, दोनों आपस में इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल होंगे. ठीक, सो फ्रॉम हियर वी कैन से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4. सो इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर थिंकिंग वाला. इस क्वेश्चन को लिख लीजिए और इस क्वेश्चन को करिएगा जरूर दोबारा घर जाके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल्स टू साइन 2x इंटू साइन 10x. सो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई आइडेंटिटी पढ़ाई थी, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई पढ़ाई आइडेंटिटी. पन्ने पलटो, देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई
साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा रहे थे उस दिन, कौन फंस रहा था? सो ये फॉर्मेलिटी, ये किसका किसका फॉर्मूला हो जाएगा? सो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर सिक्स एक्स माइनस साइन स्क्वायर फोर एक्स, ये हो जाएगा साइन सिक्स एक्स प्लस फोर एक्स इंटू साइन सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगी है, अगर नहीं याद है तो इसको लिख लो और इसको याद कर लो। दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई विच इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई। सिक्स एक्स प्लस फोर एक्स ये हो गया साइन टेन एक्स इंटू साइन टू एक्स एंड दिस इज योर आर एच एस। बस खत्म, डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया, आंसर आ गया। बस बस इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। कॉस स्क्वायर टू एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस थ्री एक्स। हो गया, कौन सी आइडेंटिटी लगाई? सॉरी, कॉस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई, किसका फॉर्मूला होता है? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहां पे हमने आइडेंटिटी लगाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये बराबर होता है कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक, सो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। अभी आपको फॉर्मूला या आइडेंटिटी अगर याद है तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर इसके बाद बेहतरीन क्वेश्चन एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट कॉट पाई बाई फोर प्लस एक्स इंटू कॉट पाई बाई फोर माइनस एक्स इज इक्वल टू वन। cot pi by 4 plus x into cot pi by 4 minus x is equal to 1, इसको ट्राई कीजिए। सो यहां पे दोनों तरीके से ही देख लीजिए भाई, दोनों तरीके से ही समझ लीजिए कैसे होगा। पहला एक तरीका जो है वो क्या कह रहा है, पहला तरीका है अगर आप cot x plus y into cot x minus y का फॉर्मूला लगाते हैं तो इसको फॉर्मूला लगा के अगर एक्सपैंड करें तो cot x plus y का फॉर्मूला क्या होता है? cot x cot y माइनस वन अपॉन कॉट एक्स प्लस कॉट वाई इंटू कॉट एक्स माइनस वाई का अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है? कॉट एक्स इंटू कॉट वाई प्लस वन अपॉन कॉट वाई माइनस कॉट एक्स कॉट। ठीक, cot y माइनस cot x, इसको x लिया इसको y लिया। ठीक, अच्छा अब यहां पे अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये देखिए cot pi by 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो इसकी जगह 1 लिख सकते हैं। तो 1 इंटू cot x क्या हो जाएगा? cot x ही हो जाएगा, ये हो गया माइनस 1 इंटू cot x प्लस 1, ये दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन में, टोटल डिवाइडेड बाय cot pi by 4 की वैल्यू 1, सो 1 प्लस cot x इंटू 1 माइनस सॉरी cot x माइनस 1। ठीक, अच्छा अब ऊपर देखो यहां से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, cot x माइनस 1 से cot x माइनस 1, 1 प्लस cot x से 1 प्लस cot x, क्या आ गया? 1। तो ये तो एक तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का। ठीक, दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं? आप cot को ब्रेक कर लीजिए cos और sin के फॉर्म में, तो अगर cos और sin के फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा cos पाई बाई फोर प्लस एक्स अपॉन साइन पाई बाई फोर प्लस एक्स। क्यों? क्योंकि कॉट जो बराबर होता है वो कॉस अपॉन साइन के बराबर होता है, इंटू कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स अपॉन साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स। अब कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी किसके बराबर होता है?
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक। कॉस ए, इसको अगर ए माने ए प्लस बी, और कॉस ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, अभी पिछले क्वेश्चन में लगाया था, कॉस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई का फॉर्मूला लगाया था, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। सो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ए की वैल्यू क्या है, पाई बाई फोर, इसको एक मिनट, इसको हमने ले लिया, इस पूरे को ले लिया ए के बराबर, इस पूरे को ले लिया बी के बराबर, नहीं वही होगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी टोटल अपॉन साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, सो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक। कॉस स्क्वायर पाई बाई फोर, तो कॉस स्क्वायर पाई बाई फोर का मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो बराबर होता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हमेशा याद रखिएगा, यहाँ गलती मत कीजिएगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिखो या कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखो, बात एक ही होती है, तो कॉस स्क्वायर पाई बाई फोर लिखो या कॉस पाई बाई फोर का होल स्क्वायर लिखो, बात एक ही होती है, कॉस पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी होती है, वन बाई रूट टू, तो वन बाई रूट टू का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन पाई बाई फोर की वैल्यू क्या होती है, वन बाई रूट टू, सो वन बाई रूट टू का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, पूरा कैंसिल आउट हो गया, किसके बराबर आ गया, वन, सो द फाइनल आंसर इज वन। तो चाहे ऐसे करो कॉट का फॉर्मूला लगा के एक्स प्लस वाई, चाहे ऐसे करो कॉस और साइन में कन्वर्ट करके, दोनों से ही आंसर आ रहा है, ठीक है, तो जो अच्छा लगे स्वाद अनुसार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप करिए, टैन फाइव बाई फोर प्लस एक्स प्लस टैन पाई बाई फोर माइनस एक्स टोटल अपॉन टैन पाई बाई फोर प्लस एक्स माइनस टैन पाई बाई फोर माइनस एक्स, दिस इज इक्वल्स टू कोसेक टू एक्स, ये हमको शो करना है, इसको ट्राई कीजिए। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिए तो एलएचएस में टैन दिया, आरएचएस में कोसेक दिया है, ठीक, तो जब भी टैन कॉट दिया हो और कहीं पे भी साइन कॉस कर दे तो क्या कर दो, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, इजी हो जाता है, ठीक। तो क्या कर लीजिए, यहां से टैन को कन्वर्ट कर लीजिए साइन अपॉन कॉस में, तो यहां से थोड़ा सा इजी हो जाएगा, तो अगर टैन को साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई फोर प्लस एक्स प्लस अपॉन कॉस पाई बाई फोर प्लस एक्स प्लस साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स अपॉन साइन पाई बाई फोर सॉरी साइन कॉस कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स टोटल अपॉन टैन पाई 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 बाई फोर प्लस एक्स को लिख सकते हैं साइन पाई बाई फोर प्लस एक्स अपॉन कॉस पाई बाई फोर प्लस एक्स माइनस अगेन टैन को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस सो साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स अपॉन कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स ठीक। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे एलसीएम लेके इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ठीक। तो अगर एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो एलसीएम क्या आ जाएगा ऊपर एलसीएम क्या आ जाएगा ऊपर एलसीएम आ जाएगा कॉस पाई बाई फोर प्लस एक्स इंटू कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स ठीक। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी किसके बराबर होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ठीक। तो यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो गया कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ठीक। तो ये हो जाएगा टोटल अपॉन कॉस स्क्वायर ए विच इज पाई बाय फोर माइनस साइन स्क्वायर बी विच इज एक्स।
अच्छा जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कॉस पाई 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 बाय 4 + x है, पाई बाय 4 - x है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो ये है साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 + x इंटू कॉस पाई बाय 4 - x, बीच में प्लस का साइन, प्लस साइन पाई बाय 4 - x इंटू कॉस पाई बाई 4 + x। ये चीज समझ में आई, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है एलसीएम लेने के बाद, ठीक। टोटल अपॉन, यहाँ पे अगेन एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने पे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर यही हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 - sin² x, ठीक। अब ये दोनों अगेन आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे इधर से, सो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4 + x इंटू कॉस पाई बाई 4 - x माइनस साइन पाई बाई 4 - x इंटू कॉस पाई बाई 4 + x। सो एज अ रिजल्ट हुआ क्या, ये नीचे जो डिनोमिनेटर थे ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया इन्होंने, ऊपर किसका फॉर्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक। तो अगर इसको हम ए के बराबर ले लें, इसको ए के बराबर ले ले, ये बी हो गया, फिर ये बी हो गया और ये हो गया, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का, ठीक। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन प्लस होता है बेटा, जब बीच में प्लस होता है तो प्लस का साइन होता है, तो साइन ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 + x प्लस पाई बाय 4 - x टोटल अपॉन। अब नीचे अगर आप देखिए, इसको ए ले लें, इस वाले पार्ट को ए ले लें, इसको बी ले लें, इसको बी, ए बी हो गया, ये हो गया, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, सो ये बन गया साइन ए विच इज पाई बाय 4 + x माइनस बी, तो ये हो गया पाई बाय 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस एक्स, ठीक। तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, पाई बाय 4 + पाई बाय 4 कितना होता है पाई बाय 2, तो ये हो गया साइन पाई बाय 2 टोटल अपॉन पाई बाय 4 - पाई बाय 4 कट गया, एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 2x, तो ये हो गया साइन 2x, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन 2x, साइन 2x को जब आप ऊपर ले जाओगे तो साइन 2x का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक, तो ये हो गया कोसेक 2x, और यही है आपका RHS। मजा आया, बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो जो लास्ट क्वेश्चन में कह रहे थे कि लेंदी क्वेश्चन है, ये है लेंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया है इफ साइन एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 1 = 0, प्रूव दैट 1 + cot x tan y = 0। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, साइन एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 1 = 0, प्रूव दैट 1 + cot x cot tan y = 0। अभी जितने क्वेश्चंस करा रहे हैं सारे क्वेश्चंस कुछ कुछ अलग टाइप के हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइप्स बहुत सारे हैं, इसीलिए यहाँ पे दिक्कत आती है ट्रिग्नोमेट्री में समझने में, ठीक है। कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, अगर यहाँ पे आप इस पार्ट को देखें, इस पार्ट को, तो ये कुछ फॉर्मूला बन रहा है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन कुछ उल्टा आ रहा है, ठीक। तो इसके लिए क्या कर लो, इसके लिए आप सबसे पहले प्लस वन को उधर भेज दो, अगर प्लस वन को उधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स कॉस वाई इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक। पूरी इक्वेजन को अगर माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो तो ये जो माइनस वन है ये प्लस वन हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, साइन एक्स साइन वाई हो गया, ठीक। अब यहां पे देखिए कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई किसका फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस वाई, अब कॉस एक्स प्लस वाई की वैल्यू अगर 1 के बराबर है तो कॉस की वैल्यू 1 किस पे आती है
सो वन की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस जीरो। सो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो के बराबर। ठीक, बस यहीं पे छोड़ के अब आ जाते हैं हम लोग को जो प्रूफ करना है। तो जो प्रूफ करना है इसमें, वन प्लस कॉट, कॉट किसके बराबर होता है, कॉस अपॉन साइन, टैन किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पे अगर एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई टोटल अपॉन साइन एक्स कॉस वाई, ये हमको जीरो के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो एलएचएस लेके चल रहे हैं यहाँ पे। अब साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई किसका फॉर्मूला होता है, साइन एक्स प्लस वाई का। सो ये हो गया साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स कॉस वाई। अब एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी, जीरो। तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। सो ये हो गया साइन जीरो अपॉन साइन एक्स कॉस वाई, साइन जीरो की वैल्यू जीरो। तो जीरो अपॉन समथिंग इज ऑलवेज जीरो, तो आंसर आ गया जीरो। एक और क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट टैन एक्स इंटू टैन एक्स प्लस पाई बाय थ्री प्लस टैन एक्स प्लस पाई बाय थ्री इंटू टैन एक्स माइनस पाई बाय थ्री प्लस टैन एक्स माइनस पाई बाय थ्री इंटू टैन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस थ्री, ये प्रूफ करना है। काफी छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या कर लो, सबसे पहले यहां पे टैन एक्स प्लस पाई बाई थ्री की वैल्यू निकाल लो एंड टैन एक्स माइनस पाई बाई थ्री की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे बहुत बार। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा टैन एक्स प्लस वाई। तो टैन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, टैन एक्स प्लस टैन वाई अपॉन वन माइनस टैन एक्स टैन वाई। वो फॉर्मूला लगाओ, दोनों की वैल्यू निकालो और फिर वो वैल्यू यहां पे प्लेस कर दो। टैन एक्स प्लस, टैन एक्स प्लस क्या आ रहा है, रूट थ्री अपॉन वन माइनस रूट थ्री, यही आ रही है। और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, टैन एक्स माइनस रूट थ्री अपॉन, नहीं ये नहीं आएगा, ये रूट थ्री इंटू टैन एक्स भी आएगा, वन प्लस रूट थ्री टैन एक्स, ये वैल्यूज आ रही होंगी। ठीक, अगर ये वैल्यू आ रही है तो एक नंबर तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे देखिए, इसके बाद अगर इन दोनों को ध्यान से देखिए और ये, इन दोनों में एक चीज कॉमन है विच इज टैन एक्स, यहाँ पे भी आ रहा है यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक, टोटल में से अगर टैन एक्स कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो क्या बचा अंदर, टैन एक्स प्लस पाई बाई थ्री, बीच में प्लस का साइन था, प्लस टैन एक्स माइनस पाई बाई थ्री, ये तो ये दोनों हो गए, बचा यहां पे ये प्लस टैन एक्स प्लस पाई बाई थ्री इंटू टैन सॉरी एक्स माइनस पाई बाई थ्री। ठीक, एलएचएस लेके चल रहे हैं। अब ये जो वैल्यूज आई हैं, ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा टैन एक्स इंटू टैन एक्स प्लस पाई बाई थ्री की वैल्यू है टैन एक्स प्लस रूट थ्री अपॉन वन माइनस रूट थ्री टैन एक्स प्लस टैन एक्स माइनस रूट थ्री अपॉन वन प्लस रूट थ्री टैन एक्स प्लस टैन एक्स प्लस रूट थ्री अपॉन वन माइनस रूट थ्री टैन एक्स इंटू टैन एक्स माइनस रूट थ्री अपॉन वन प्लस रूट थ्री टैन एक्स। तो हमने टैन एक्स में से टैन एक्स को कॉमन ले लिया, इन दोनों को साथ साथ ले लिया और बाकी वहां पे जो वैल्यूज थी एक्सपैंड करके आ रही थी वो एज इट इज रख ली।
अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, न्यू डिनो वो ले सकते हैं एलसीएम। सो अगर यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये टैन एक्स आ गया, एलसीएम में क्या आ जाएगा, वन माइनस रूट थ्री टैन एक्स, वन प्लस रूट थ्री टैन एक्स। ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है, सो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर वन माइनस बी स्क्वायर। सो रूट थ्री का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री टैन स्क्वायर एक्स। अब इसको अगर यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो टैन एक्स प्लस रूट थ्री इंटू वन प्लस रूट थ्री टैन एक्स। सो टैन एक्स प्लस रूट थ्री इंटू वन प्लस रूट थ्री टैन एक्स प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करें टैन एक्स माइनस रूट थ्री इंटू वन माइनस रूट थ्री टैन एक्स। अब सेम जो यहां चल रहा है वही सेम टू सेम यहां पे भी चलेगा, ठीक। तो टोटल का एलसीएम ले लोगे, टोटल का एलसीएम आ जाएगा, फिर इसको थोड़ा बहुत इधर उधर सॉल्व करोगे, सॉल्व करके सब कट पिट जाएगा, माइनस थ्री बचेगा। सो इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, बाहर टैन एक्स है, अंदर हो जाएगा वन से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बिकम टैन एक्स प्लस रूट थ्री इंटू टैन एक्स, ये हो जाएगा रूट थ्री टैन स्क्वायर एक्स प्लस रूट थ्री प्लस थ्री टैन एक्स प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा टैन एक्स माइनस रूट थ्री टैन स्क्वायर एक्स माइनस रूट थ्री प्लस थ्री टैन एक्स टोटल अपॉन वन माइनस थ्री टैन स्क्वायर एक्स। सिमिलरली यहां पे भी जब ऐड करेंगे तो इसको भी ऐड करके टैन एक्स प्लस रूट थ्री टैन एक्स माइनस रूट थ्री, यही सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है, प्लस सेम जो भी आ रहा है वही आ जाएगा, ठीक। अब इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, रूट थ्री टैन स्क्वायर एक्स माइनस रूट थ्री टैन स्क्वायर एक्स प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री। हाँ अच्छा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, हाँ सेम नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, सही कह रहे हो, मुझे लगा एडिशन है। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन वन माइनस थ्री टैन स्क्वायर एक्स, ठीक। अच्छा अब यहां पे अगर इनको ऐड करेंगे तो बाहर टैन एक्स है, अंदर हो गया टैन एक्स प्लस टैन एक्स, तो ये हो गया टू टैन एक्स, थ्री टैन एक्स प्लस थ्री टैन एक्स, ये हो गया सिक्स टैन एक्स, और कुछ बचा, टैन एक्स प्लस टैन एक्स टू टैन एक्स हो गया, थ्री टैन एक्स प्लस थ्री टैन एक्स सिक्स टैन एक्स हो गया, ठीक है। टोटल अपॉन वन माइनस थ्री टैन स्क्वायर एक्स, और यहां पे फिर से एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा, और इसमें हो जाएगा प्लस टैन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री, ये टोटल आ जाएगा, ठीक। कुछ कैंसिल हो रहा है, एट टैन एक्स आ जा रहा है यहां से, टू टैन एक्स प्लस सिक्स टैन एक्स, ऐसे ला सकते, देखो टैन एक्स टू टैन एक्स प्लस सिक्स टैन एक्स कितना हो जाएगा, एट टैन एक्स प्लस टैन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री टोटल अपॉन वन माइनस थ्री टैन स्क्वायर एक्स, ये आ गया। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हाँ अच्छा 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 हाँ। यहां पे जो ये प्लस चल रहा था, ये इस प्लस से पहले अगर एलसीएम लेंगे तो इसको टैन टू एक्स, इस टैन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, हाँ ठीक। तो अगर इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा तो इसको टैन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री को बाहर ही रहने दीजिए ऐसे। अब यहाँ पे टैन एक्स को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं कायदे से। सो टैन एक्स को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा टू टैन स्क्वायर एक्स प्लस सिक्स, या सिक्स टैन एक्स प्लस टू टैन एक्स, ये कितना हो गया एट टैन एक्स, एट टैन एक्स को टैन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा एट टैन स्क्वायर एक्स प्लस
tan square x minus 3 total upon 1 minus 3 tan square x. अब ये tan square x plus tan square x कितना हो गया? 9 tan square x minus 3 upon 1 minus 3 tan square x. अब अगर यहां से minus 3 common ले लीजिए तो क्या बचेगा यहां पे? ये बचेगा minus 3 tan square x plus 1 total upon minus 3 tan square x plus 1. ठीक, सो माइनस 3 टैन स्क्वायर एक्स प्लस 1, माइनस 3 टैन स्क्वायर एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? माइनस 3, एंड दिस इज इक्वल्स टू आरएचएस. लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए. 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स माइनस 8, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जल्दी से बता दो क्या होगी. व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन? सो भाई इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 8, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी? माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 8. तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 25. सो माइनस रूट 25 प्लस, सॉरी माइनस 8, माइनस रूट 25 कितना हो गया? माइनस 5 माइनस 8 कितना आ गया? माइनस का 13. ठीक, और यहां पे अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 8 विच इज इक्वल्स टू माइनस 3. सो माइनस 3 से माइनस 13 तक आएगी इसकी मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू. ठीक है, सो आज के लिए इतना ही. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय.